अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो मैं इन मुर्गियों पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये तीन जो है ना चिकन, ये जो मुर्गी हैं ये मैंने परचेज़ की है ना, दो तो ये पेयर हैं, ठीक है, एक उसका मेल है और ये फीमेल है, और एक ये बड़ी है, ठीक है, फीमेल। तो ये मैंने दो लिए, तो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करता हूँ, क्योंकि जो बंदे ज़्यादा शौकीन हैं उनको तो पता होगा कि भाई ये किस किस्म की नस्ल है, अच्छी है, बुरी है, या मतलब नॉर्मल है, और इसके बारे में भी बताएं कि ये कैसी है, अच्छी है, नॉर्मल है, या क्योंकि हर बंदे की अपनी एक राय होती है। तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये पेयर ले लिया, और मुझे कमेंट्स में भी आप बताएँ कि ये कितने तक का मुनासिब होगा, मतलब ये कितने तक का ये जो पेयर मैंने लिया है, क्योंकि ये तो मैं आपको फिर कमेंट्स में बताऊंगा जब आपके मैसेजेस वगैरह आएंगे कि ये कितने का है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कितने का है, ठीक है। तो मैंने जितने का लिया है मुझे उस हिसाब से अच्छा लगा है, ठीक है, मुझे उन प्राइस में मुझे ये रिजनेबल लगा है, तो मैंने परचेज़ कर लिया है। क्योंकि मैंने इनके लिए ना, अब पहले ये देखे मैंने इनके लिए वो बनाई है, इनकी जो है ना घर, तो फ़िलहाल तो ये तकरीबन इसमें आ सकते हैं अच्छे खासे, तो लेकिन ये फ़िलहाल ये तीन रह रहे हैं, लेकिन ये जो है मुर्गी ये इनको मारती है काफ़ी। दोस्तों ये मैंने दोबारा इसलिए लिया आप, क्योंकि मेरे पास पहले जो थी ना वो एक मुर्गी थी, मैंने उसको छोटी सी परचेज़ की थी, तो वो फिर मैंने रखी, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने उसका एक पेयर बनाया, एक मुर्गा लेके आया हूँ, ठीक है, और उसके साथ जो थे ना वो तीन उसके मतलब बच्चे थे। तो वो क्या हुआ कि यहाँ पर अचानक रात के टाइम दरवाज़ा मतलब जाली वाला ही था, तो जाली तोड़ के तो कुत्तों ने जो है ना वो सारा जितने भी मुर्गा मुर्गी और तीन बच्चे उसके ना वो लेके चले गए। तो वो काफ़ी मुझे जो है ना उसका दुख भी हुआ था, क्योंकि मैंने वो बिल्कुल छोटी सी पाली थी उसको, तो काफ़ी बड़ी भी हो गई थी, अंडे भी देने स्टार्ट कर दिए थे उसने, लेकिन बैड लक है कि वो कुत्तों ने उसको मतलब हासिल कर लिया। तो मैंने अब ये दोबारा जो है ना ये परचेज़ किए, क्योंकि मुझे जो है ना ये मुर्गियाँ वगैरह का शौक है थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा भी लगता है, यहाँ पर घूम रही हैं अब, जैसे ये मैंने क्यारी बनाई, खैर यहाँ तो मैं नहीं घूमने देता इनको, ऐसा है कि सारी यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगी हुई, तो सब्जियों की ये बड़ी दुश्मन है, तो इनको मैंने इसलिए बाहर छोड़ा हुआ, थोड़ा सा इनको तकरीबन दो घंटे तीन घंटे बाहर घुमाता हूँ, और उसके बाद फिर इनको मैं खुद बंद कर देता हूँ, ताकि ये कि बाहर थोड़ी घूमेंगी तो ये होगा कि थोड़ा बाहर की जो खुराक होगी इनकी तो वो भी अच्छी होगी। तो इंशाल्लाह जो है अभी देखें, इसके बाद मैं और भी हो सकता है कि लेके आऊं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो शौकीन हजरात हैं इनके वो उनके लिए तो काफ़ी मतलब उनको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।